हाय गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल. आई एम कश्मीरा एंड आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं ये वॉल हैंगिंग. इस वॉल हैंगिंग का किट हमारे स्टोर पे अवेलेबल है, जिसमें आपको ये सब कुछ मिलेगा. ये होम स्वीट होम का बोर्ड आपको मिलेगा, ये MDF का है मटेरियल, इसका जो है MDF है और ये प्री मार्क किया हुआ है, तो आपको कलर देने के बाद भी वो दिखेगा. ताकि टेक्स्ट लिखने में जो आपको प्रॉब्लम आती है, बहुत सारे कमेंट्स मुझे आते थे कि टेक्स्ट लिखने में हमें प्रॉब्लम आती है, तो इसका ये सॉल्यूशन हमने निकाला है. इसमें आपको कलर्स भी मिलेंगे, ये चार एक्रेलिक कलर्स मिलेंगे आपको, और अगर आप चाहो तो इन कलर की जगह पे दूसरे कलर्स भी ले सकते हो. जैसे ये सारे कलर्स है, आप अपनी चॉइस का कोई भी तीन कलर्स ले सकते हो. वाइट आपको उसमें मिलेगा ही, क्योंकि टेक्स्ट जो है आपको वाइट से लिखना है. आपको दो ब्रशेस भी मिलेंगे, एक फ्लैट ब्रश मिलेगा और एक राउंड ब्रश मिलेगा. तो ये सब कुछ इस किट में है, और ये कुछ एम्बेलिशमेंट्स है जो आप उसको डेकोरेट करने के लिए यूज़ करोगे. तो इसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास. ये जो है ये किट में इंक्लूडेड ही है. इसके जगह पे आप इनमें से कोई भी एम्बेलिशमेंट सिलेक्ट कर सकते हो. इनके पीछे डबल साइडेड टेप लगी हुई रहेगी, तो आपको वो इजीली स्टिक करते आएगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, हमारा जो किट है उसको यूज़ करके ये ब्यूटीफुल सा DIY बनाना स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला जो कलर है वो ले रही हूँ मैं, ब्लू कलर है ये, और इसको पेंट करने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये फ्लैट ब्रश जो किट में है अभी ऑलरेडी. अब इसको आप बेस कोट पे वाइट एक्रेलिक कलर भी दे सकते हो, या फिर जो कलर आप दे रहे हो उसका दो कोट्स भी दे सकते हो. जो आपको ईजी जाए आप उस हिसाब से पेंट कर सकते हो. अगर आपके बच्चे पेंट कर रहे हैं तो बच्चे इस चीज़ को बहुत एंजॉय करने वाले हैं, क्योंकि पेंटिंग और वो सब बच्चों को बहुत पसंद आता है, और ऐसा कुछ डिफरेंट करने में उनको और भी ज़्यादा मज़ा आता है. और अपने बच्चों ने जो बनाया है उसको यूज़ करके आप अपना घर डेकोरेट कर रहे हो, तो आपको वो एक स्पेशल फीलिंग भी होती है कि अरे नहीं, ये मेरे लड़के ने बनाया है या फिर मेरी लड़की ने बनाया है, तो वो एक स्पेशल फीलिंग होती है, वो भी अलग होती है, राइट? तो इसके लिए ये सब कुछ ध्यान में रख के मैंने ये वाला किट बनाया है, ताकि यही चीज़ जो आपके बच्चे बना रहे हैं उसको आप अपने घर में डेकोरेट करने के लिए यूज़ करो. अब इसके बाद कलर जो है मैंने दोनों कोट देके ड्राई होने दिया अच्छे से, ठीक है? आपको भी अच्छे से उसको ड्राई होने देना है. ड्राई होने के बाद वाइट कलर यूज़ करके हम जो टेक्स्ट है उसको हम लिखेंगे. अब टेक्स्ट हमें ऑलरेडी दिख रहा है, इसलिए हमें फॉन्ट का इशू नहीं आएगा, हमें लिखने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट? तो अगर आप डायरेक्टली इसके ऊपर लिखते हो, सपोज़ आप इमेजिन करो कि सिर्फ वुडन प्लैंक्स है और उसके ऊपर आपको टेक्स्ट लिखना है, तो इतना अच्छा फॉन्ट क्या आप बना पाओगे? और बच्चे तो आई डाउट नहीं बना पाएंगे, राइट? कोई मतलब एक्सपर्ट रहेगा तो ही इतना अच्छा फॉन्ट बना पाएगा. तो इसके लिए ये जो है प्री मार्किंग जो की हुई है वो यहाँ पे बहुत हेल्पफुल रहेगी आपको. इसकी जगह पे आप जो मैं फ्लैट ब्रश यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे, इसकी जगह पे आप राउंड ब्रश भी यूज़ कर सकते हो. राउंड ब्रश भी किट में दिया हुआ है, जिससे आपको टेक्स्ट लिखना इजी जाएगा वो आप यूज़ करो, ऐसा मैं आपको सजेस्ट करूँगी. बच्चे बना रहे हैं तो राउंड ब्रश यूज़ करो छोटा सा, और जो मार्किंग की हुई है उस हिसाब से आपको बस पेंट करते जाना है. इतना इजी है ये. यहाँ पे जो वाइट एक्रेलिक कलर मैं यूज़ कर रही हूँ, कभी कभी अभी जैसे गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो कलर बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा थिक है कलर, तो आप उसमें एक या दो ड्रॉप्स पानी के भी ऐड कर सकते हो. अगर लगता है थिक है तो ही, अगर आपको लग रहा है कि नहीं चलो अच्छा है कलर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मत ऐड करना उसमें, क्योंकि आप जितना उसमें पानी ऐड करोगे आपको उसके ज़्यादा कोट्स देने पड़ सकते हैं, इसलिए, ठीक है? तो ये देखो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है, तो ये ऐसा लग रहा है. अब मुझे इसके थोड़े से दो तीन कोट्स देने पड़ेंगे. अब कोट्स देने के बाद मैंने दिया है वार्निश इसके ऊपर, उसको भी आपको ड्राई होने देना है. ये चीज़ आप हमेशा ध्यान में रखो कि कोई भी एक कोट देने के बाद आपको उसको ड्राई होने देना है, और फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट कोट देना है, ठीक है? तो वो सब कुछ ड्राई होने के बाद हम देंगे वार्निश इसके ऊपर. वार्निश का आप एक या दो कोट्स भी दे सकते हो, एक कोट भी इनफ होता है, पर अगर आप दो कोट दोगे तो वो ज़्यादा अच्छा लेयर बनेगा, एक प्रोटेक्टिव लेयर बनेगा उसका.
अब हम करेंगे यूज़ ये एम्बेलिशमेंट्स जो मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताई थी। इसके पीछे आपको ये डबल साइडेड टेप लगा हुआ मिलेगा, आपको उसको रिमूव करके जहाँ पे भी आपको वो स्टिक करना है आप कर सकते हो। मतलब आपको बेसिकली ये जो हमने आर्टवर्क बनाया है उसको आपको डेकोरेट करना है, राइट? तो डेकोरेट करने के लिए नंबर ऑफ़ चीज़ें होती है। आप अपने घर में कुछ होगा तो उसको भी यूज़ कर सकते हो। सिंपली आपको डबल साइडेड टेप रिमूव करके स्टिक करना है। और अगर आप ये किट परचेस करना चाहते हो तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है और उसके ऊपर अभी चल रहा है 25% ऑफ, तो जल्दी से अपना ऑर्डर प्लेस कर दो क्योंकि स्टॉक भी लिमिटेड है। और इस किट को यूज़ करके हमने ये जो DIY बनाया है वो आपको कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताओ। और अच्छा लगा हो तो मेक श्योर टू हिट दैट लाइक बटन एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। Thank you.